तेजस्वी यादव कहाँ है? क्या तेजस्वी यादव को बिहार में मासूमों की मौत की चिंता नहीं है? क्या उन्हें बिहार में नेता प्रतिपक्ष होने के हवाले उनको मुजफ्फरपुर में मासूमों की हालत जानने नहीं पहुंचना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जिस राज्य में वो नेता प्रतिपक्ष हैं उस राज्य में मासूम बच्चों की मौत हो रही है? न जाने कितने बच्चे रोज अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं। राजद के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीमार चल रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मीडिया में इस बात की जानकारी क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में हार के बाद से लापता है, वो गायब चल रहे हैं। तेजस्वी यादव न तो मीडिया में आते हैं और न ही राजनीति में दिखाई देते हैं। बिहार के सियासत गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव गुमशुदा है। जदयू के मेन प्रवक्ता संजय सिंह ने यह साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए ताकि उनकी गुमशुदगी के बारे में कुछ क्लियर हो सके और उनका पता चल सके। जहां तक बात करें मुजफ्फरपुर की, तो लालू परिवार की तरफ से कोई भी मुजफ्फरपुर में नहीं गया, लेकिन आरजेडी की तरफ से रामचंद्र पूर्वे जरूर पहुंचे थे। उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुजफ्फरपुर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन महागठबंधन की करारी शिकस्त मिलने के बाद से तेजस्वी यादव कहां गायब है किसी को नहीं पता। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर का दौरा कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर SKMCH अस्पताल में जाकर के बच्चों का हालचाल जाना। इसके साथ भारी विरोध के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और डॉक्टरों को निर्देश भी दिए। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बारे में भी ये सवाल किए जा रहे हैं कि तेजस्वी को बिहार के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुजफ्फरपुर SKMCH में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।